दंगल की। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे धामी सरकार युवाओं को रोजगार। उत्तराखंड में बेरोजगारी पर जारी सियासत के बीच धामी सरकार के लिए राहत की खबर आई है। दरअसल हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के सर्वे में खुलासा हुआ कि उत्तराखंड में पिछले एक महीने में बेरोजगारी की दर में कमी आई है। बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड देश में 9वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे धामी सरकार के सकारात्मक फैसले का नतीजा बताया है, जबकि कांग्रेस ने इस सर्वे पर सवाल खड़े किए हैं। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी पर जारी सियासत के बीच CMIE की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारी की दर में काफी कमी आने का दावा किया गया है। CMIE सर्वे के ऑनलाइन आंकड़ों के मुताबिक पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत 17 राज्यों में बेरोजगारी उत्तराखंड से अधिक है। आइए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड में 2 सालों में माहवार बेरोजगारी प्रतिशत दर पर। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक 2 वर्षों में माहवार बेरोजगारी प्रतिशत दर जनवरी 2020 5.5, 2021 4.5, फरवरी 2020 5.0, 2021 4.7, 2020 19.9, 2021 3.3, अप्रैल 2020 6.5, अप्रैल 2021 6.0, मई 2020 8.0, मई 2021 5.5, जून 2020 8.6 और जून 2021 4.8, जुलाई 12.4 और 2021 3.2, अगस्त 2020 14.3 और अगस्त 2021 6.2, सितंबर 22.3 और सितंबर 2021 4.1। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनावी साल के बीच बढ़ती बेरोजगारी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहा है। इसी के तहत आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी अभियान चला रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी सरकार बनने पर बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है। हमने देखा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हो, सरकारी नौकरियों हो, 24,000 से ज्यादा वैकेंसीज खोली गई, और स्वरोजगार के माध्यम से बैंकों के थ्रू लोगों को ऋण उपलब्ध कराना, होम स्टे को तेजी से बढ़ाना, तमाम दिक्कतें थी। अब धीरे धीरे वो दिक्कतें दूर होती हुई नजर आ रही है, और सबसे बड़ी दिक्कत थी कोरोना। कोरोना काल आने के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम आई कि हम क्योंकि पर्यटन प्रदेश हैं, हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं, हमारी यात्रा बंद हो गई, चारधाम यात्रा बंद थी, पर्यटन बंद था, तो हमारे लोग बेरोजगार हो गए थे। अब जैसे यात्रा खुली, पर्यटन खुला, तो रोजगार के लिए हमारे युवाओं के पास जो लोन सरकार ने दिए हैं, जो गाड़ियां प्रोवाइड कराई हैं, सबकी गाड़ियों को सवारियां मिलनी शुरू हो गई। ये बड़ा गंभीर विषय है और चिंतनीय विषय है। एक ही वही एजेंसी 2020 में सर्वे करती है, उसमें आंकड़े आते हैं 22% से अधिक उत्तराखंड में बेरोजगारी है, और ठीक एक साल बाद उसी समय वही एजेंसी सर्वे करती है, वो 4% में यहाँ की बेरोजगारी लाती है, लेकिन ये नहीं बताती कि सरकार ने कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया, ये वो नहीं बताती है। हमको इसमें कुछ न कुछ घालमेल लगता है, ये सरकार की मिलीभगत से है और आंकड़ों का मकड़ जाल है। मतलब मेरी परिभाषा में 2 चीजें होती है, एक होती है टेक्निकल इंटेलिजेंस, एक होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस। टेक्निकल इंटेलिजेंस को तुम अगर लेकर के चले कोई कि ये सर्वे है, ये बेरोजगारी दर घट गई है, तो पता है असली तो सामने देखना चाहिए ना, यहाँ लोग हड़ताल में क्यों बैठे हैं, रोज क्यों पुलिस डिपार्टमेंट खाली एक ही काम करता रहता है, बैरिकेडिंग। वो वाला स्टेज आ गया है कि यूथ जिनको बोला जा रहा है कि बचे हुए 6 महीने में हम इनको इम्प्लॉयमेंट देंगे, आज तक तो कोई इम्प्लॉयमेंट मिला नहीं, कहीं पे ट्राई हो रहा है तो वो फिर उसमें घोटाले निकल रहे हैं। तो ये बोलने वाली बात से ना, मेरे ख्याल से आज जनता तो एक्सेप्ट नहीं करेगी।
कुल मिलाकर चुनावी साल में सीएमआई की रिपोर्ट ने सरकार से लेकर संगठन तक को खुश होने का मौका दिया है। निश्चित ही बीजेपी इन आंकड़ों को लेकर जनता के बीच जाएगी। स्वरोजगार में भी युवाओं को जुड़ने के लिए नए नए अवसर प्रदान करने का प्रयास करेंगे। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और आज हम देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी के लिए आज राहत की खबर आई है, उत्तराखंड में बेरोजगारी पर जुआरी सियासत के बीच धामी सरकार के लिए काफी राहत की खबर है। दरअसल हाल ही में आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि सीएमआईई के सर्वे में खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में पिछले एक महीने में बेरोजगारी के दर में कमी आई है। बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड देश में 9वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य में सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने इसे धामी सरकार के सकारात्मक फैसले का नतीजा बताया है, जबकि कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि सवाल जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में पिछले 2 साल से कोरोना काल में लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर्यटन क्षेत्र कितना प्रभावित रहा यह हम सभी जानते हैं, चारधाम यात्रा के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी, ऐसे में इस रिपोर्ट का आना कहीं ना कहीं लोगों को चौंका देने वाला है। 17 राज्यों में बेरोजगारी की सबसे कम दर आंकड़े जो हैं वो उत्तराखंड के आए हैं, यानी कि 9वें स्थान पर है उत्तराखंड। विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार की घेराबंदी करी और विपक्ष के लिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। और हम सीएमआई के सर्वे से आंकड़ों में जो खुलासा हुआ है आज उस पर ही बात करेंगे, जानेंगे विपक्ष का क्या कुछ कहना है और सत्ता पक्ष भाजपा का इस पर क्या कुछ कहना है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बसंत कुमार जी उपाध्यक्ष प्रचार कमेटी आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राम खंडवाल जी अध्यक्ष देवभूमि बेरोजगार मोर्चा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता पॉल जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और संजीव वर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और सबसे पहले सवाल मैं करूंगी संजीव जी आपसे। जब भी डिबेट शुरू होती है तो मैं शुरुआत करती हूँ विपक्ष से, विपक्ष से सवाल लेना सोचती हूँ जरूरी होता है, ताकि वो सवाल पूछे तब आप जवाब दें। लेकिन आज मेरा सवाल है आपसे कि ये जो आंकड़े आए हैं, आज जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्रियों पर भी तो सवाल उठा रहे हैं। संजीव जी आपको आवाज आ रही है हमारी? संजीव जी आवाज आ रही है आपको? संजीव जी आपका ऑप्शन शायद म्यूट ऑप्शन लगा हुआ है, उसे पहले ऑन करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी जी संजीव जी बात को पूरा करिए और बताइए कि आपके ये जो आंकड़े आए हैं, सीएमआईआई ने जो आंकड़े दिए हैं, इसके हिसाब से तो आपकी ही सरकार के जो पूर्व के 2 मुख्यमंत्री रहे हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बाकी पर तो हो ही रहे लेकिन इन पर पहले हो रहे हैं। कैसे खड़े हो रहे हैं आप बताएं तो। हमने जो आंकड़े दिखाए थे उसके मुताबिक जिस तरीके से जनवरी में 2020 की अगर हम बात करें तो 5.5 दर रहा, 2021 में 4.5 रहा, जो ये जो तमाम आंकड़े आए हैं इनके हिसाब से देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी जब से मुख्यमंत्री बने तब से बेरोजगारी दर जो है वो कम दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि बाकी के जो 2 मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बेरोजगारी दर बढ़ता चला रहा था। मैं अगस्त की अगर बात करूं तो 14.3 थे 2020 में और 21 में 6.2 थे। तो 2020 और 21 के ये आंकड़े हैं जिसके हिसाब से तो आप ही की सरकार थी, आपके ही मुख्यमंत्री थे। मैडम देखिए आप बात को ट्विस्ट कर रहे हैं, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि 2020 हमने पूरा का पूरा कोरोना काल झेला है और पूरे कोरोना काल में ना किसी के पास रोजगार था, ना पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था। और आप यदि उस समय हमारे इस चीज को उल्टा दिशा में इस चीज को ले आना चाहें। ठीक है आशा जी, आपका रुख करेंगे हम। सुजाता पॉल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। सुजाता जी आंकड़े आए हैं, पुष्कर सिंह धामी की वाहवाही हो रही है, क्या कुछ कहना है आपको? देखिए ये बात तो सही है कि नौकरियां मिली हैं,
जी इसमें तो हम सवाल कैसे उठाएंगे। भाई आपने देखा नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत को नौकरी मिली, फिर उसके बाद तीरथ सिंह रावत, अब पुष्कर सिंह धामी, तो कुछ तो काम करेंगे ना। पुष्कर सिंह धामी अब जो डेटा का मैनिपुलेशन कराएंगे वो बढ़िया कराएंगे, क्योंकि ये घोषणा वीर मुख्यमंत्री केवल झूठ का पुलिंदा है। आपने देखा कि पंडा पुरोहितों को बुलाकर बेवकूफ बनाकर फिर प्रचारित कर दिया कि उनका आंदोलन स्थगित हो गया। भाई किस तरह का कोई व्यक्ति हो सकता है कि कुपोषित बच्चों का खाना खा जाए। हमारे यहाँ चारा भी खा गए इनके मुख्यमंत्री, और इनके ऊपर सवाल माननीय उच्च न्यायालय ने लगा दिया। और दूसरी तरफ कुपोषित बच्चों का टेक होम राशन के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह, उनके ऊपर भी इन्होंने प्रहार किया था। तो नौकरियां अगर किसी को मिली है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, और इनको उसके आगे कुछ दिखता नहीं। इससे अपना डेटा इन्होंने बनाकर दे दिया। क्यों? क्योंकि आपको याद है अनिल बलूनी ने कहा था हाउसफुल के बोर्ड लग गए, ये नहीं बताया कि अंदर सीटें खाली है, और कह रहे थे हमारे यहाँ सारे लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं, अब जगह नहीं है। और आपको भी पता है कि उनके यहाँ लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। तो डूबते जहाज वालों को इन्हीं झूठे आंकड़ों का सहारा है। अगर आप देखें पुलिस वालों को, उनके परिवार सड़कों पे, उपनल कर्मी सड़कों पे, आंगनबाड़ी बहनें सड़कों पर, और उनके ऊपर किस प्रकार से सुजाता जी माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इसी बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में हुआ बड़ा हादसा, जशपुर में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ से आपको हम ये खबर बता रहे हैं, जहां पर कार सवार ने भीड़ को कुचला। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर हुआ बड़ा हादसा, छत्तीसगढ़ के जशपुर में हुआ है बड़ा दर्दनाक हादसा। कार ने भीड़ को रौंदा, कार सवार ने भीड़ को कुचला। आपको बता दें कि एक व्यक्ति की मौत की खबर है और 10 लोग घायल हुए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 10 लोग घायल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम छत्तीसगढ़ के जशपुर से बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बेकाबू हुई कार, कार ने भीड़ को रौंदा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कार सवार ने भीड़ को कुचला, बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के जशपुर से बता रहे हैं। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बेकाबू हुई कार, छत्तीसगढ़ में हुआ बड़ा हादसा। जशपुर में यह हादसा हुआ है, जहां पर कार ने भीड़ को रौंदा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है और करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में एक की मौत, कई लोग घायल, छत्तीसगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बड़ा भीषण हादसा हुआ है, जहां पर कार बेकाबू हो गई और भीड़ को रौंदती हुई चली गई। आपको बता दें कि करीब 10 लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौत की खबर है। जशपुर में हुआ बड़ा दर्दनाक हादसा, बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां पर कार सवार ने भीड़ को कुचला। हादसे में एक की मौत और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर बेकाबू हुई कार, लोग सड़कों पर जा रहे थे और अचानक से कार रौंदती हुई निकल गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एसएसके न्यूज पर, दर्दनाक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कार आई और लोगों को रौंदती हुई चली गई। ये दर्दनाक तस्वीरें सिर्फ के न्यूज पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ छत्तीसगढ़ के जशपुर में। भीड़ आगे जा रही थी, अचानक से बीच में कार आती है और लोगों को रौंदती हुई चली जाती है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीतीश कुमार जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर, और लगातार जिस तरीके से हम वीडियोस दिखा रहे हैं जनता को, कहीं ना कहीं काफी दर्दनाक तस्वीरें हैं ये। हेलो जी नीतीश, आपको आवाज आ रही? जी आवाज नहीं आ रही। नीतीश आपको आवाज आ रही जी?
नीतीश, ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, हम लगातार दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से कार आती है और लोगों को कुचल कर चली जाती है, क्या कुछ कहना है इसको लेकर? जी मैं आपको बता दूं कि जसपुर जिले के पसको गांव में दशहरे के मौके में विसर्जन के समय में एक मतलब समन्वित होकर कार आई और उसमें काफी 21 लोगों की मतलब की अचानक हादसा आ गई। उसमें से कम से जन की मौत हो गई, बाकी इलाके में पत्थर सिविल अस्पताल जारी है। नीतीश, इस कार को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कार सवार कौन है? क्या कार चालक के बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि ये कार में भारी मात्रा में गांजा मतलब गांजा लिया जा रहा था, तो बाकी अभी पुलिस छानबीन कर रही है मौके पे। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। और इस खबर पर एक अपडेट यह भी आ रहा है कि गुस्साए लोगों ने कार को आग के हवाले में किया है, तोड़फोड़ की है। हालांकि फिलहाल पुलिस प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। और आपको बता दें कि कार में गांजा भी बरामद हुआ था। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। आपको बता दें कि विसर्जन के लिए कुछ लोग जा रहे थे और पीछे से बेकाबू कार आती है और लोगों को रौंदती हुई चली जाती है। ये तस्वीरें दर्दनाक तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 10 लोग करीब घायल बताए जा रहे हैं। उसके बाद गुस्साई भीड़ ने कार को आग के हवाले किया, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और आपको बता दें कि कार में गांजा भी बरामद हुआ है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि ये कार किसकी थी, कार सवार कौन था। तमाम ऐसे सवाल है जिनकी तफ्तीश अब पुलिस कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद ही दर्दनाक तस्वीरें हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से विसर्जन करने लोग यहाँ पर जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे इस भीड़ का हिस्सा थे जिन्होंने पोशाक पहन रखी थी, क्योंकि आज विजयदशमी का दिन है और आज विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे और पीछे से बेकाबू कार आती है और भीड़ को रौंदती हुई चली जाती है। गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ भी की, कार सवार ने भीड़ को कुचला, तोड़फोड़ के बाद कार में लोगों ने आग लगा दी और कार से गांजा भी बरामद हुआ। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। राज्य में खेल प्रतिभाओं की खोज एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व प्रशिक्षण दिलाए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज को अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाएं व इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि सुविधाओं के अभाव में कोई खेल प्रतिभा दबी ना रह जाए। इसके साथ ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिलाए जाने के लिए कुशल व अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार खेल व खिलाड़ियों को लेकर बहुत सजग है, बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने के लिए पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। पदक विजेता खिलाड़ियों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने के लिए जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। धामी सरकार उत्तराखंड राज्य में शिक्षा के साथ साथ खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करेंगे। खेलों का आयोजन अब औपचारिकता नहीं महापर्व होगा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर कल पूरे भारत को गर्व होगा। जुबान के लिए उड़ चला गरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि के दंगल में। उत्तराखंड में बेरोजगारी पर जारी सियासत के बीच धामी सरकार के लिए राहत की खबर आई। दरअसल हाल ही में आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि सीएमआई के सर्वे में खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में पिछले एक महीने में बेरोजगारी की दर में कमी आई है। बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड देश में 9वें स्थान पर है। हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाया और इस रिपोर्ट में सामने आने के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का कहना है कि ये कहीं ना कहीं घोटालेबाजी है, ये आंकड़े जो हैं ये सही नहीं है। सियासत के बीच युवाओं के लिए क्या ये अच्छी खबर है या नहीं, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सुजाता पौल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राम कंडवाल जी देवभूमि बेरोजगार मोर्चा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बसंत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। सुजाता जी आपका रुख मैं करूंगी क्योंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन उससे पहले हम राम कंडवाल जी के पास जाना चाहेंगे, देवभूमि बेरोजगार मोर्चा से हैं वो। राम कंडवाल जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज जो आंकड़े आए हैं, आज जिसके हिसाब से कहा गया है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर जो है वो काफी कम हो गया है, कितना सहमत हैं आप इस बात से? देखिए अभी हाल ही में हमारे एक आंदोलन और एक अभी जो है दूसरे आंदोलन की तैयारी करने जा रहे हैं जी, सिर्फ ये क्योंकि उत्तराखंड में बेरोजगारी का स्तर जो है कम ही नहीं हुआ। अभी अगर मैं बात करूं भर्ती में तथ्य और सब भर्ती जो है घटा दी गई, यानी कि कह सकते हैं उत्तराखंड में अभी निकलती है तो वो जो है कहीं ना कहीं धांधली का रूप ले लेती है। और अगर मान लो ये भर्ती पास भी हो जाती है, ये भर्ती आगे बढ़ती भी है जी, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलते हैं। अभी जो है पूरे उत्तराखंड पुलिस की भर्ती के लिए पिछले 7 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भर्ती इन्होंने अभी हाल ही में निकाले हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव के चक्कर में जो बेरोजगारों को खुश करने के लिए कुछ फॉर्म निकाले हैं, लेकिन उन फॉर्मों का क्या हासिल होगा तो हम पिछले सालों में देखें। और अभी माननीय कह रहे थे कि जो है 2020 में कोरोना था जी, 2018 में क्या था, जब आपकी सरकार 2017 में तब क्या था, अभी वर्ष में साल में यानी कि वर्ष है बच्चों के लिए फॉर्म निकाल जी। बसंत कुमार जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं। बसंत जी आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ आप रोजगार गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा ऐसे आंकड़े पेश कर रही है, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो बेरोजगारी के मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठा रहा है और आगे 2022 में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा होने वाला है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है आज के आए हुए आंकड़ों को लेकर, और उसके बाद आपकी जो अगर ये आंकड़े सही है तो इसका मतलब है आपकी जो रोजगार गारंटी यात्रा है वो फेल है? देखिए मैडम एक चीज बता दें कि ये आंकड़े पेश करने से राजनीति नहीं होती है। उत्तराखंड की जो जनता है, जो बेरोजगार है, जिसको नौकरी नहीं मिली है, उसको आप आंकड़े गिना देंगे तो वह संतुष्ट हो जाएगा, इस बात की गलत फहमी भारतीय जनता पार्टी ना रहे, क्योंकि आंकड़े तो इनके अपने हिसाब से बनते हैं जी। ये लोग आंकड़े पेश करते हैं, ये लोग जुमलेबाज हैं, ये बात को पूरा देश जानता है जी। अब देश की जनता जागरूक हो रही है और देश की जनता ये समझती है कि केवल आंकड़ों से किसी के घर की रोटी चलने वाली नहीं है, रोजगार से ही चूल्हा जलेगा। और रोजगार देने का काम अगर कोई करेगी तो वो केवल आम आदमी पार्टी करेगी, ये उत्तराखंड की जनता समझ रही है। और रोजगार गारंटी योजना को हम जन 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 तक पहुंचा रहे हैं और हमारे दावे साफ सुथरे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का उत्तराखंड की जनता ने एक दो दो बार टेस्ट ले लिया है, एक बार आम आदमी पार्टी का टेस्ट लेके उत्तराखंड की जनता देखेगी और उत्तराखंड की जनता के अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला जो राजनीतिक दल है वो केवल आम आदमी पार्टी है, इस बात को उत्तराखंड की जनता समझने लगी है। पहली बात मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या आंकड़ों से किसी के घर के चूल्हे जलते हैं? और आंकड़े हमेशा आप अपने पक्ष में अपने लिए राजनीतिक तरीके से पेश करते हैं और इनको पता चल गया है कि उत्तराखंड प्रदेश में अब जल्द ही चुनाव होने वाले हैं
और उस चुनाव के आंकड़ों को खिसकाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये गुमराह करना जानते हैं, ये सपने दिखाना जानते हैं, ये उत्तराखंड की जनता को गुमराह करते आए हैं, इस देश की जनता को गुमराह करते आए हैं। ये वो लोग हैं जो कह रहे थे कि काला धन वापिस लाएंगे तो भारत देश की तरक्की करेंगे, और ये वो लोग हैं जिन्होंने काला धन 7 साल में 300 गुना और बढ़ा दिया। ये वो लोग हैं क्योंकि ये जुमले सुना सकते हैं, ये लोगों को गुमराह कर सकते हैं, ये रोजगार प्रदान नहीं कर सकते और केवल आंकड़े दिखा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ बसंत जी एक मिनट रुक जाइए, अभी जो रोजगार गारंटी यात्रा आप निकाल रहे हैं इसमें भी तो आपने कुछ आंकड़े जारी किए कि पता नहीं कितने युवा जो है वो फॉर्म भर रहे हैं, तो आंकड़े तो आप भी जारी कर ही रहे हैं ना? जी बिल्कुल, वो आंकड़े हम जारी कर रहे हैं और वो आंकड़े तो आपके आंकड़े सच्चे कैसे और भाजपा के झूठे कैसे, ये बताइए। देखिए भाजपा के आंकड़े हमेशा झूठे रहते हैं। एक आदमी किसी व्यक्ति को एक बार मूर्ख बना सकता है, दो बार मूर्ख बना सकता है, 3 बार बना सकता है, हमेशा आंकड़े झूठे रहते हैं और इसलिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम सच्चे आंकड़े पेश करते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है इसलिए हमारे आंकड़ों पर भरोसा किया जा सकता है, ये उत्तराखंड की जनता जानती है। ठीक है संजीव जी, आपका रुख करेंगे हमारे साथ अंकित काला, हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अंकित आपका भी रुख करूंगी मैं, लेकिन उससे पहले संजीव जी से जवाब लेना बहुत जरूरी है। आप यहां पर सुन रहे हैं बसंत कुमार जी कह रहे हैं साफ कि आप जुमलेबाजी कर रहे हैं और आप ये आंकड़े दिखाने से कुछ भी काम नहीं बनेगा और जनता को रोजगार देना बहुत जरूरी है। सुजाता पॉल जी कह रही है 2022 में चुनाव होने और ये मैनेजमेंट है पूरा, आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। संजीव जी, मैडम देखिए बेरोजगारी दर में कमी आना साफ संकेत देता है कि राज्य की बेहतरी की तरफ सरकार चल रही है, सरकार का मैनेजमेंट बेटर हुआ है। हम सिंगल विंडो पे काम कर रहे हैं, स्वरोजगार पे हमने बहुत, हमारी सरकार बहुत मजबूती से और गंभीरता से काम कर रही है। एनजीओ जो महिला एनजीओ ग्रुप्स हैं उनको 5-5 लाख रुपए तक के हमने ऋण दिए हैं, 40% तक के उनको सब्सिडी हम दे रहे हैं और पूरी तरह से आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप हम लगातार उत्तराखंड में हम स्टार्टअप में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सोलर का हमने काम किया है, स्टे होम पे हम बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और आप ये देखिए एक जो माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया था और एक अपना एक महत्वाकांक्षा जाहिर की थी उसको उत्तराखंड भी साकार कर रहा है। उन्होंने कहा था सबका विकास, संजीव जी सबका विकास और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जॉब सीकर मत बनिए, जॉब गिवर बनिए और जॉब गिवर हम तभी बन पाएंगे जब हम स्वरोजगार की दिशा में जाएंगे, हम अपने लिए भी रोजगार मुहैया करा पाएंगे, अपने साथ साथ 5-10 लोगों को उसमें और रोजगार देंगे। और साथ ही राज्य सरकार ने अभी 22,000 नौकरियां खोली हैं और अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर उनमें इंटरव्यू और टेस्ट वगैरह सब कुछ हो जाने वाला है और आने वाले 2-3 महीनों के अंदर नौकरियों का जो एक प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है संजीव जी, अभी मैं आपको आपके एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ या आप ये समझ लीजिए कि मैं सवाल ही पूछना चाहती हूँ आपसे। आपने थोड़ी देर पहले जब मैंने इस डिबेट की शुरुआत की थी और आपसे सवाल पूछा था तो आपने मुझसे कहा था कि 2020 में कोरोना चल रहा था, 19 में कोरोना शुरू हो गया था। ठीक है मैं मान लेती हूँ कि ये बात सही है, लेकिन आज जब आंकड़े आए तो आप पुष्कर सिंह धामी का कुशल नेतृत्व बता रहे, तो आप मानिए कि ये जो 4.5 साल है ये बर्बाद हुए हैं। आपने मुख्यमंत्री क्यों ढोए गए हैं, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत तीरथ सिंह रावत क्यों ढोए गए उत्तराखंड में? आप कैसे बोल सकते हैं, आप 2017 से पुराना आंकड़ा निकाल, तो फिर आप सिर्फ पुष्कर सिंह धामी का नाम क्यों ले रहे हैं? फिर तो आप ये कहिए कि हमारी सरकार में बेरोजगारी, जो बेरोजगारी रेट है वो कम हुआ है, आप ये कहिए ना। आप ये क्यों कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी की बड़ी जीत है, फिर आप एक आदमी का नाम क्यों ले रहे हैं, फिर आप तीनों की बात करिए अगर आप डिफेंड कर रहे हैं उनको तो। मैडम भारतीय जनता पार्टी हमेशा रोजगार परक कार्यक्रम चलाती रही है, हमने युवाओं की बेहतरी के लिए काम किया है। आप रोजगार कर रहे हैं, बेहतरी के लिए काम किया है। आप ये देखिए,
आप ये देखिए जिस समय कांग्रेस की सरकार यहाँ से गई थी 2017 में, आते हो सुजाता जी आपके पास, यहाँ स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डबल जीरो था। हमने आज स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जब मजबूत कर दिया है, हर पहाड़ों में, हर जिला अस्पतालों में, सीएससी सेंटर में, हर जगह डॉक्टर्स हैं, हर जगह इक्विपमेंट्स हैं, हर जगह जितने हमारे 13 जिले हैं, 13 जिलों के जिला मुख्यालय, जितने जिला चिकित्सालय हैं, सब में अपने अपने ऑक्सीजन प्लांट्स लगा दिए गए हैं। इन चीजों का भी तो गुणगान करिए, इन चीजों को भी तो बोलिएगा ना। बिल्कुल संजीव जी, मैं तो कह रही हूँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, मैं तो कह रही हूँ। बिल्कुल है, उनसे ज्यादा अच्छा सज्जन व्यक्ति कोई नहीं। युवा है, सड़कों पर उतर रहे, जनता के बीच आ रहे, उनसे अच्छा क्या हो सकता है? लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत ने क्या किया? मैं तो कह रही हूँ पुष्कर सिंह धामी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है। मैडम हमने काम किया है, पूरे 5 साल हमने काम किया है, और अपने काम के बल पे, अपने विकास के बल पे हम दोबारा अच्छा। से जनता के बीच आने वाले हैं, और 60 प्लस का आंकड़ा, ठीक है, सुजाता जी को सुन लीजिए, संजीव जी सुजाता जी को भी सुन लीजिए, कुछ का आंकड़ा हम पाने जा रहे हैं। 4.1% की आज बेरोजगारी दर है, जो कि आप अगर जो नेशनल लेवल पे देखते हैं तो 6.9 है, और हमारी कितनी है? 4.1। तो उत्तराखंड ने बेहतरी की है इसमें, तो इसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, 22.3 2020 में ये आंकड़ा था, और 4.1 अब का आंकड़ा है, सितंबर की बात अगर हम कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए, 20 में कौन था मुख्यमंत्री? हरीश रावत। मैडम एक बात सुनिए, एक बात सुनने। जी संजीव जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप अपनी बात को पूरा। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, अरे आप क्या फिर दिल्ली की बात करने लगे? अरे, अरे, अब अपनी बात करिए। फिर वही वाली बात, जब हम आंकड़ों में हम बेटर पोजीशन पे आ रहे हैं, तो आपके पास विपक्ष जो है ना मैडम, विपक्ष जो है आंकड़ों को भी हमारी बाजीगरी बोल देता है। जब आंकड़े हमारे अगेंस्ट जाते हैं तो ये कहते हैं हाँ आंकड़े बिल्कुल सही है, ऐसा तो नहीं चलेगा। या तो आंकड़ों पे किसी पे विश्वास मत करिए। बिल्कुल संजीव जी, मानिए आप 2 मिनट रुक जाइए, संजीव जी रुक जाइए, सुजाता जी कुछ कहना चाहती है, सुजाता जी अपनी बात को पूरा करिए आप। जी देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि ये झूठ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप CMIE के आंकड़े देखते हैं तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार गई तो 1.5% बेरोजगारी थी उत्तराखंड में। झूठ बोल रही है, 7.6 थी मैडम, 7.6 संजीव जी सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे तो सुजाता जी शांत थी ना। भ्रष्टाचारी पार्टी है, अरे भ्रष्टाचारी बोल रहा है भाजपाई, झूठे मक्कार भाजपाई। अब आप मुझे बताइए कि इनको नहीं काटा जा रहा, चुप रहिए देश चरम भाजपाई बोखलाई पार्टी। आपके मुख्यमंत्री दो दो जगह से हार जाते हैं, कैमरे के सामने बोलते हैं करोड़ों रुपया अपने मंत्रियों को बोल रहे हैं, 1% जो दिया था हमने, बेरोजगारी दर 11% कैसे पहुंची थी? सुजाता जी मेरा निवेदन है, मैडम आपके समय थी, सुजाता जी निवेदन दे रहा हूँ, अपनी बातों को सदैव शब्दों में कहने की कोशिश करिए। सुन लीजिएगा, आंकड़े सुनिए CMIE 2000 सुजाता जी शांति, सुजाता जी को शांति पूर्वक सुन लीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए, महाभारत नहीं चल रही है, डिबेट शो है ये। देखिए मैं आपको बिल्कुल साफ आंकड़े CMIE के वेबसाइट से निकाल के बता रही हूँ। 2016-17 हमारी सरकार थी, 1.61% बेरोजगारी दर थी, और 2773 लोगों को नौकरियां दी थी सरकारी,
उसके बाद 2017-18 में जब इनकी सरकार थी तो 24,000 दे रहे हैं, हम तो 24,000 दे रहे हैं, 24,000 मैडम, नहीं तो मैंने बोली नहीं तो कि या तो आप इन्हें चुप करवाइए, 24,000 दे रहे हैं, आप बोलते हो नौकरियां जी, सुजाता जी, ये कोई तरीका नहीं होता है डिबेट शो में बात करने का, सम्मानित महिला है आप, अरे तो बीच में बोलते रहेंगे और मैं चुप नहीं रहूंगी, सम्मानित वमानित कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है तो सामने मुझे सम्मान में चुकाइए, अरे बदतमीज आपने आपको कहा था संजीव जी पुरुष हुए मुझे ना सिखाए, मुझे पता है इनके इनके जैसे, अरे चुप, आपको आती है डिबेट करनी, बीच में आप बोल रहे हो, अरे बदतमीज आप हो, बीच में आप बोल रहे हो, अरे छोटे बड़े आप क्या है, मेरे लिए ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, आप मेरे प्रतिद्वंदी है, आपका सम्मान तब तक है जब तक आप बीच में नहीं बोलते, बीच में बोलेंगे तो बोलने नहीं दूंगी, समझाई, आपको शर्मानी चाहिए ऐसे, अरे शर्म करो तुम, शर्म करो तुम, मुझे मत बताओ, देखिए आप आंकड़े या तो सुन लीजिए या इनसे बुलवा लीजिए, अब आप डिसाइड करो, तो अविश्वास करती नहीं है, आंकड़े पे तो आप विश्वास करती नहीं ठीक है, अभी आपकी डिबेट डिरेल कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, संजीव जी सरकार की भी कमी है, सुजाता जी अपनी बात को पूरा कर लेते, मुझे और लोगों के पास भी उनकी राय लेने के लिए जाना है, सुजाता जी अपनी बात को पूरा करिए जल्दी से, देखिए 2016-17 में 1.61% पूरे साल का बेरोजगारी दर सीएमआई ने दिया, उसके बाद इनकी सरकार आई और बेरोजगारी दर जो है 11% 2020-21 में बढ़ी, इसका मतलब धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई, नौकरियां इन्होंने दी नहीं, अब ये आंकड़ा मेरा तो नहीं है, अब आप मुझे बताइए कि जब ये मुख्यमंत्री आते हैं जुलाई में तब बेरोजगारी दर होती है 3.2%, फिर वो घोषणा करते हैं और अगले ही महीने बेरोजगारी दर जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाती है 6.2%, उसके बाद अब ये 4.2% सितंबर में हुआ, अभी आपने इनके एक प्रवक्ता की बाइट दिखाई थी जिसमें वो कह रहे थे कि होटल खुल गए ये खुल गए, अरे आप खुद बताइए ना, होटल तो अभी अक्टूबर में खुले हैं, ये सितंबर के आंकड़े हैं, तो होटल तब कैसे खुले, तब तो चार धाम यात्रा की शुरुआत नहीं हुई थी, वो बता रहे थे कि सारे होटल खुल गए, सारी गाड़ियां, फिर बोल बीच में बोले, फिर बीच में बोले, फिर बीच में बोले, ठीक है सुजाता जी, देखिए समय की भी बहुत कमी है, इस तरीके से फिर बात नहीं हो पाएगी, हमें और लोगों के भी पास जाना है, आप इनसे सुजाता जी रुक जाइए संजीव जी आप भी रुक जाइए राम कंडवाल जी के पास हम चलेंगे, राम कंडवाल जी आपसे मैं जाना चाहती हूँ, यहाँ पर ये बताइए कि जिस तरीके से भाजपा दावे कर रही है कांग्रेस दावे कर रही है, रोजगार आपको मिला कि नहीं मिला, या बेरोजगारी जिस तरीके से चरम सीमा पर है, सुजाता जी सुन लीजिए और संजीव जी आप भी सुन लीजिए, आपस में बहस करने से कुछ नहीं होगा, राम जी जवाब दीजिए, देखिए मैं बोलूंगा तो कृपया मेरे बीच में कोई ना बोले, मैं सिर्फ एक मिनट बोलूंगा ज्यादा नहीं दूंगा, और साथ जब प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई थी तो उस समय इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि हमने 6 महीने के भीतर 1,00,000 लोगों को बच्चों को जो है रोजगार देंगे, मतलब सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन उस 6 महीने में हुआ क्या, सिर्फ एक आदमी को नौकरी मिली और वो विधानसभा अध्यक्ष के बेटे थे जिनको नौकरी मिली, बाकी किसी को नौकरी नहीं मिली, और आज जो डेट है साल 2021 है, आज अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड पुलिस की भर्ती 7 साल से नहीं आई, पुलिस की भर्ती पिछले 6 साल से नहीं आई थी, इसके साथ साथ पटवारी लोकपाल की भर्ती 7 साल से नहीं आई थी, इसके साथ साथ वीडियो की भर्ती पिछले 6 साल से नहीं आई थी, अगर इतनी भर्तियां पिछले 7 साल से नहीं आई थी, जितने भी विभाग है उन पर भर्तियां नहीं आई थी, आखिरकार बेरोजगारी रही है, आखिरकार इसमें भर्ती कौन हो रहा है, हम तो भर्ती नहीं हो रहे, हमारे मेरे पास लगभग 1.5 लाख बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, संजीव जी जवाब दीजिए, जब ये भर्ती नहीं हो रहे जो बेरोजगार है तो भर्तियां मिल किसको रही है, मैडम जैसे हमारे भाई ने अभी बोला, मैं उनसे केवल एक बात पूछना चाहता हूँ कि वो रोजगार किसको मानते हैं, क्या केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार होती है, प्राइवेट जॉब रोजगार नहीं होते हैं, हमने यूनिवर्सिटी में बता दिया जाता है कि रोजगार के डेफिनेशन चेंज कर दो, भारतीय जनता पार्टी धांधले बाज, भारतीय जनता पार्टी घोटाले बाज, भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों को समय की आवाज़ को म्यूट करते हैं, निवेदन करूंगी अंकित आपका, रुक करती हूँ मैं, अंकित
क्या कुछ अभी तक जानकारी है इस चीज को लेकर, जैसे कि आप सुन रहे हैं यहाँ पर सुजाता पॉल जी का कहना है कि उनकी सरकार में चीजें ठीक थी, भाजपा का कहना है कि उनकी सरकार में चीजें ठीक हुई, राम कंडवाल जी जो है हमारे साथ जुड़े हुए वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी नहीं मिल रही, तो नौकरी मिल किसको रही है। आम आदमी पार्टी की जो रोजगार गारंटी यात्रा चल रही है उसमें भी वो कहीं ना कहीं तमाम उनके फॉर्म वॉर्म के आंकड़े भी वो दे रहे हैं कि यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो अंकित, क्या कुछ अभी तक इसको लेकर जानकारी है, क्या वाकई जो बातें कही जा रही है वो सही है? देखिए जैसी इस बात में कोई दोराय नहीं है कि जो सीएमआई के आंकड़े आए हैं और जमीनी हकीकत है उसमें विरोधाभास है। जो आंकड़े सीएमआई ने जारी करे हैं सितंबर 2020 में जो बेरोजगारी दर करीब करीब 22% थी वो अचानक से गिर करके 4% में आती है, तो यानी कि 18% का इसमें गिरावट हुई है। तो हम तो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा सरकार ने कौन सी योजना लाई है या किस तरीके से इतने बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया। और अभी एक आंकड़ा और है कि करीब करीब 22,000 से ज्यादा जो हमारे सरकारी पद हैं वो इस वक्त रिक्त चल रहे हैं, और जब ये पद भर दिए जाएंगे तब तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें समाप्त होकर के जो 4% की अभी बेरोजगारी दर है वो भी घट करके फिर प्लस में आ जाएगी। तो अभी जब इतने पद भरे नहीं गए हैं और अभी कोरोना काल का था तो अचानक से इस तरीके से बेरोजगारी की दर में गिरावट आना कहीं ना कहीं एक इस बात को जन्म देता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो विरोधाभास जरूर है। बिल्कुल, सवालों के घेर में तो समय की बहुत कमी है। फिलहाल चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीएमआई के सर्वे के आंकड़ों में जो खुलासा हुआ उसमें भाजपा कहीं ना कहीं अपनी फीट जरा जरूर थपथपा रही है। एक महीने में बेरोजगारी की दर में कमी आई है, लेकिन तमाम सवाल है जो विपक्ष द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही साथ बेरोजगारों का भी यही कहना है कि जब हमें रोजगार नहीं मिल रहा है तो रोजगार मिल किसे रहा। और यहाँ पर फिलहाल देवभूमि के